वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं मधुरिमा और आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडो यूएस प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल ही रही है बट इस वीडियो में हम यही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। बट स्पेशल ये है कि आज का टॉपिक है वेमेंस, क्योंकि हमारे जो इंडिया की ब्राइट वुमेंस हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस फेलोशिप में क्या क्या सपोर्ट वो देंगे, मतलब कि एयरफेयर देंगे या नहीं, स्टाइपेंड देंगे या नहीं, और देंगे तो कितना देंगे, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वेमेंस इन स्टेम प्रोग्राम की तरफ। वेमेंस इन स्टेम, स्टेम का मीनिंग है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है और ये फेलोशिप प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इंडियन वेमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए रिसर्च फील्ड में, इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ है। प्रोग्राम्स क्यों, इनका एम क्या है, तो जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और ये सब कुछ जो है आपको इस इंटर्नशिप के थ्रू मिल सकता है। तो यही उनका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रपोज्ड एरिया ऑफ वर्क, तो कौन से सेक्टर में आप यहाँ पे, मतलब कौन से एरियाज में आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। तो वन बाय वन देखेंगे, एग्रीकल्चर एरियाज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर साइंसेस है। उसके बाद जो है वो एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कॉग्निटिव साइंसेस, कंप्यूटेशनल साइंसेस, आईटी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंस के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे उसमें, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे। उसके अलावा मैथमेटिकल साइंस है, मेडिकल साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस है, इन सभी के ये सारे जो है वो रिसर्च एरियाज है और ये प्रपोज रिसर्च एरिया है, इसमें आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। अभी एग्जांपल के बारे में बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर साइंस से अपना रिसर्च करना चाह रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड से कोई रिसर्च करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यही प्रपोज एरिया ऑफ वर्क है। उसके बाद बात करेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या। तो ये जो प्रोग्राम है उसको टू मॉड्यूल्स में हम देखेंगे। टू मॉड्यूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जिसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, स्टाइपेंड के अमाउंट डिफरेंट है, और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। उस सभी के बारे में हम देखेंगे। ये दो मॉड्यूल्स कौन से हैं, तो ये दो मॉड्यूल्स आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे, वेमेन ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम मॉड्यूल, और दूसरा जो है वेमेन ओवरसीज फेलोशिप प्रोग्राम मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स इंटर्न्स के लिए देखेंगे, वेमेन्स ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं वो इंडियन वेमेन एप्लीकेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे वो पीएचडी परस्यू करना चाहिए, मतलब कि इंडियन वेमेन एप्लीकेंट करंटली परसुइंग पीएचडी डिग्री इन द बेसिक साइंसेस, कोई अच्छे खासे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं इंडिया से, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है उनका एज ग्रुप क्या रहेगा, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एज ग्रुप जो रहेगा वो 21 to 35 ईयर्स रहेगा। इस एज ग्रुप के जो भी पीएचडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या रहेगा, फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स रहेगा। नेचर ऑफ द सपोर्ट विल इंक्लूड, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, क्या क्या सपोर्ट वो देने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा $2,500, ये मंथली रहेगा। उसके बाद एयरफेयर रहेगा, एयरफेयर $2,500। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस अप टू द $500, कॉन्टीजेंसी अप टू द $1,000, ये सारे आपके सपोर्ट्स रहेंगे फर्स्ट मॉड्यूल के। अभी सेकेंड मॉड्यूल के बारे में देखेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे और उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इन सभी के बारे में। सेकेंड मॉड्यूल जो रहेगा वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेमेन ओवरसीज फेलोशिप, जिसने पीएचडी कंप्लीट की है, इंडियन वेमेन है जिसने पीएचडी कंप्लीट की है बेसिक साइंसेस में, और अभी वो रिसर्चर बोल के कोई अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तो इंडियन वेमेन एप्लीकेंट हैविंग द पीएचडी डिग्री इन द बेसिक साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मेडिसिनल, होल्डिंग रेगुलर पोजिशंस एट द एनी
रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, R&D इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस इन इंडिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने कुछ डिज़ायरेबल भी बोला है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट कर रही हो और वो प्रोजेक्ट कोलैबोरेट है किसी US के लैब से तो वो वीमेन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। उसके बाद देखेंगे कि एज क्या रहेगा, एज जो रहेगा वो 27 to 45 ईयर्स होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। जब भी एप्लीकेशन आपके फॉर्म निकलेंगे तब आपका जो एज है वो 25 to 45 ईयर्स होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ ही रहेगा। उसके बाद नेचर ऑफ सपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, नेचर ऑफ सपोर्ट में मंथली स्टाइफंड रहेगा, हालांकि स्टूडेंट की फेलोशिप से थोड़ा ज़्यादा ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो $3,000 है। एयरफेयर आपका $2,500, हेल्थ इंश्योरेंस अप टू द $1,000, कॉन्टीजेंसी अप टू द $1,000 एंड कॉन्फ्रेंसेस अलाउंसेस अप टू द $1,200। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखो फिलहाल इसके नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं मेरे यूट्यूब लिंक के यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, उन्होंने जो भी पूछा हुआ है वो एप्लीकेशन में आपको फिल करना है, उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। बट यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज जो है वो सबमिट नहीं करनी है। और इसके बावजूद आपको और कुछ क्वेरीज हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हो। और ये कुछ रही डाउनलोडेबल लिंक्स, इस लिंक में आपको दिख रहा होगा कुछ ब्रोशर्स है, कुछ अवार्ड्स है, कुछ आर्चिव्स है, तो ये ब्रोशर्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उनका एजेंडा क्या रहेगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगी, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।